प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषिस हम पढ़ रहे हैं अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित इस अध्याय में हमने बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर के मूल निवासी फादर बुल्के के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने अब तक के व्याख्यानों में पढ़ा कि फादर बुल्के मानवीय करुणा से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम रखते थे। वे सन्यासी होकर भी सन्यासियों की तरह से विरक्त भावना रखने वाले नहीं थे। हमने पिछले व्याख्यानों में यह भी पढ़ा कि वे सभी के संस्कारों पर, अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, जन्मदिवसों पर, विवाह समारोहों पर उपस्थित रह करके बड़े भाई और पुरोहित के समान सबको आशीर्वाद दिया करते थे। लेखक ने इसी अध्याय में बताया है कि फादर बुल्के जब हमारे पास खड़े होकर हमें आशीर्वाद देते थे तब ऐसा लगता था कि मानो किसी देवदार वृक्ष की छाया में खड़े हों। एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ देवदार वृक्ष से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से देवदार वृक्ष की छाया सभी को सुकून देती है, आनंद देती है, धूप से, तपन से बचाती है, उसी प्रकार से फादर बुल्के भी निराशाओं से, कुंठाओं से, हीन भावनाओं से सभी को बचाते थे और कर्म का संदेश दे करके, परिश्रम का संदेश दे करके और अपने जानने वालों को मन से मजबूती दिया करते थे। लेखक ने इसी अध्याय में दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि फादर बुल्के जो सबके थे, करुणापूर्ण थे, ऐसे महान सन्यासी की, संत की, महामानव की मृत्यु एक जहरीले फोड़े से नहीं होनी चाहिए थी, पर किस परमात्मा से यह प्रश्न पूछा जाए। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि वे 18 अगस्त 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में अंतिम संस्कार के द्वारा मिट्टी में मिले। इस अवसर पर साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग उपस्थित थे और पादरीगण भी उपस्थित थे। उनके और जानने वालों में इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश थे और रांची के फादर पास्कल तोविना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया था और उसके बाद मसीही विधि से प्रार्थना भी की थी। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि उनको दी थी। इसके साथ साथ डॉक्टर रघुवंश भी थे। ये वही डॉक्टर रघुवंश हैं जिनको वो अपनी चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। कहते हैं कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी, पर फादर बुल्के शायद ही अपने जीवन में इस बात पर विश्वास कर पाए हों कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग रोएंगे। फिर सभी ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन करके उनके देह को कब्र में उतार दिया। अब आगामी अनुविति में और पढ़ करके और इस अध्याय का समापन करते हैं। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किस यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं इस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहते हैं कि इस सन्यासी ने शायद कभी सोचा हो
कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं था, अर्थात ऐसे बहुत से लोग थे जो उनकी मृत्यु पर रो रहे थे। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। कोष्टक में एक वाक्य आया है, इस पर बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न आ जाता है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जितनी भी आँखें नम थी उनको गिना नहीं जा सकता, अर्थात कितने व्यक्ति रो रहे थे, कितनी आँखें रो रही थी उनकी याद में, उन्हें गिनना या उनका हिसाब किताब लिखना या रखना असंभव है। ऐसा करना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाने का सामान्य अर्थ है कि केवल कागज़ काले करना ही है। ये मुहावरा भी आता है कई बार कि कागज़ काले करना, अर्थात जब किसी घटना का या किसी बात का वर्णन नहीं हो सकता हो, उसके बारे में लिखा नहीं जा सके, असंभव हो, तो हम कहेंगे कि कागज़ काले करना अथवा स्याही फैलाना है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, इस बात के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु पर कितने लोग रो रहे थे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, न ही उनको कागज़ पर लिखा जाता ऐसा जा सकता। ऐसा प्रयास करना नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहते हैं इस प्रकार इस शोक के वातावरण के बीच, इस संवेदनशील वातावरण के बीच वो हमारे बीच चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार फल फूल और गंध से भरा था। अर्थात सबसे अधिक छायादार होना, अर्थात सबसे अधिक परोपकारी, सबका भला करने वाला। छाया देना आश्रय का प्रतीक है और आश्रय वही देता है जो परोपकारी होता है। लेखक कहते हैं कि वो हम सबसे अधिक छायादार था, अर्थात सर्वाधिक दूसरों का उपकार करने वाला था, दूसरों का भला करने वाला था, सब फल फूल और गंध से भरा था। फल फूल का अर्थ है कि वो सभी को संपन्न करता था, किसी के अभाव को देख नहीं सकता था, अर्थात सबके फलने फूलने की विकास की कामना किया करता था और गंध से भरा था। गंध मतलब प्रेम से भरा था। छायादार होना, फल फूलदार होना और गंध से भरा होना, सबसे अलग और सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलाता खड़ा था। लेखक ने कहा है कि सबसे अधिक छायादार अर्थात परोपकारी था, फल फूल वाला अर्थात सबके काम आने वाला, और गंध से भरा अर्थात प्रेम की सुगंधि से करुणा से भरा हुआ था। कहता है सबसे ऊपर था, उनका स्थान सबसे ऊपर था, वे सबसे अधिक महान और पूजनीय थे। या सबसे तात्पर्य वे हैं जो उनके साहित्यकार संगठन परिमल के सदस्यों की बात की जा रही है, या उनके जो जान पहचाने के दायरे के लोग थे वो अपने आप में उनको सर्वाधिक उत्कृष्ट और सबसे अच्छा मान रहे हैं। कहते हैं सबका था, सबसे अलग भी था और सबका भी था। सबसे अलग होना मतलब उन जैसा दूसरा कोई नहीं था, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक था, अर्थात फादर बुलके की महानता की चर्चा करते समय लेखक कह रहे हैं कि वे महामानव करुणा से परिपूर्ण थे, सबसे प्रेम करते थे, अतः उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। भारतीय संस्कृति में यज्ञ को बड़ा पवित्र और धार्मिक कार्य माना गया है। यज्ञ की आँच को, उसकी आहुति को, या यज्ञ में जो आग जलती है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। लेखक ने इस व्याख्यान में या इस गद्यांश में फादर बुलके की तुलना यज्ञ की पवित्र अग्नि से की है। कहते हैं कि उनकी स्मृति हमारे मन में हमेशा जीवित रहेगी, जो हम सब के मन में यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह से हमेशा याद रहेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं वो जो यज्ञ के समान पवित्र ज्योति थी, अर्थात मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर बुलके थे, उनकी याद में मैं नतमस्तक हूँ, अर्थात हमेशा उनको याद रखूँगा। इस प्रकार से सारांश तौर पर हम कह सकते हैं कि फादर बुलके मानवीय करुणा से परिपूर्ण थे, वे सबके काम आने वाले थे, वे सबको चाहने वाले थे,
और सबका परोपकार करने वाले थे। एक देवदारु वृक्ष की छाया के समान सबके काम आने वाले थे और फल फूलदार सबके विकास की कामना करने वाले, सबको सुख देने वाले और करुणा की और परोपकार की गंध से भरे हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसी व्याख्यान के साथ आज का ये अध्याय समाप्त होता है। अब इसके प्रश्नोत्तर कल की व्याख्यान में करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुभाशीष। प्यारे विद्यार्थियों, सुभाशीष, पिछले व्याख्यानों में हमने फादर बुल्के पर आधारित अध्याय पढ़ा जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आशा है आप अध्याय का भावार्थ एवं उसका मूल संदेश समझ गए होंगे। आइए उसके प्रश्नोत्तरों पर दृष्टिपात करते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? लेखक ने इसी अध्याय में बताया है कि फादर उत्सवों में, जन्मदिन पर अथवा विवाह के अवसर पर या अन्य खुशी के मौकों पर या दुख और गमी सभी प्रकार के समय उपस्थित रहते थे। वे बड़े भाई और पुरोहित के समान आशीर्वादों से भर देते थे। उनके सानिध्य में रहकर ऐसा लगता था कि मानो देवदार वृक्ष की छाया के समान आनंद प्राप्त हो रहा हो। फादर बुल्के लंबे कद के थे, वे फादर का चोला पहनते थे। देवदार वृक्ष की आकृति के समान ही वे लंबे थे, किंतु इसका मूल भाव यह नहीं है। इसका मूल भाव है कि जिस प्रकार से देवदार वृक्ष की छाया में बैठ करके सभी को सुकून आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से फादर की उपस्थिति होने पर सभी को आनंद, सुकून एवं आशा प्राप्त होती थी। निराश व्यक्ति भी आशावान हो उठता था। अतः फादर की उपस्थिति को देवदार वृक्ष की छाया के समान कहा गया है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के संन्यास लेते समय अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वे भारत में ही रहेंगे। वे भारतीय भाषाओं के लिए प्रयास करते थे। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति विकास पर अपना शोध लिखा। वे भारतीय उत्सवों में, त्योहारों में शामिल होते थे। इसके साथ साथ भारत की भाषाओं से, संस्कृति से उनको प्रेम था। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति विकास पर अपना शोध ग्रंथ लिखा। उन्होंने हिंदी में एमए किया और हिंदी संस्कृत विभाग के वो रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ उन्होंने ब्लू बर्ड नामक पुस्तक का नील पंछी के नाम से हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया। इन सभी प्रसंगों से हमें ज्ञात होता है कि वो हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। इसके साथ साथ वे परिमल नाम की साहित्यिक संस्था के एक मूल स्तंभ भी थे। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर बुल्के मानवीय करुणा की एक साक्षात प्रतिमूर्ति थे। लंबा चोगा पहनते थे, सफ़ेद जगमगाती दाढ़ी उनके चेहरे पर रहती थी, नीली आंखों में ममता और प्रेम की छाया हमेशा रहती थी। वे एक सन्यासी होने के बाद भी विरक्त नहीं थे, वरन चाहे 2 मिनट के लिए ही मिले, 10 साल के बाद भी मिले, वे हमेशा लोगों से मिलते थे, मुलाकात करते थे। इसके साथ साथ वे हर किसी के सुख दुख में शामिल होते थे। वे अपनों को हमेशा गले लगाने को आतुर रहते थे। इस प्रकार फादर बुल्के एक करुणा, दया, ममता, प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वे बड़े भाई और पुरोहित के समान हमेशा आशीर्वाद भी दिया करते थे। वे बच्चों में बच्चे,
बड़ों में बड़े और बूढ़ों में बूढ़े के समान आचरण करके सबको मोहित कर देते थे। लेखक ने फादर बुलके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुलके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि हमेशा उनके चेहरे पर करुणा टपकती रहती थी। वे कभी किसी के दुख को सहन नहीं कर सकते थे, वे अपनों के सुख दुख में हमेशा शामिल होते थे। लेखक कहते हैं कि जब मेरे बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो फादर ने ही सबसे पहले उसके मुख में अन्न डाला, और जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो मुझे धैर्य देने के लिए फादर बुलके ही आए। फादर बुलके नैसर्गिक रूप से दयावान थे, वे किसी का दुख देख नहीं सकते थे, वे हमेशा अपनों से मिलने को आतुर रहते थे। उनके चेहरे पर करुणा, ममता, वात्सल्य, दया हमेशा टपकती रहती थी। लोगों से मिलने को आतुर रहते थे और लोग उनसे जब बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि मानो करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहे हों अथवा अपने आप को कर्म के संकल्प से भर रहे हों। और ये आगामी प्रश्न है, छठा प्रश्न। फादर बुलके ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसी पाठ में आया है कि फादर बुलके सन्यासी होते हुए भी सबसे प्रेम करते थे। एक सन्यासी विरक्त रहता है, पारंपरिक सन्यासी विरक्त रहता है, उसका भगवान के अलावा अन्य किसी से नाता नहीं होता। पर फादर बुलके सन्यासी होने के बावजूद भी अपने मिलने वालों से बातें करते थे, उनके पास जाते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे। वे एक पारंपरिक सन्यासी की तरह से विरक्त नहीं थे। जिस प्रकार से पारंपरिक सन्यासी व्यक्तिगत रिश्ते नहीं रखते हैं, ऐसे फादर बुलके नहीं थे। वे अपने परिवार से भी रिश्ता रखते थे। भारत आने के बाद 3 बार वो बेल्जियम में परिवार से मिलने के लिए गए। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुलके एक पारंपरिक सन्यासी से अलग हट करके अलग छवि प्रस्तुत करते थे, अर्थात वे विरक्त नहीं थे, वे सभी से प्रेम करते थे और सबसे लगाव रखते थे। 7वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आशय शब्द का अर्थ है कि उसमें क्या कहा गया। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। शब्दार्थ में उसका अभिधेय अर्थ होता है, किंतु भावार्थ में यह व्यक्त किया जाता है कि किसी वाक्य में अथवा किसी कविता की पंक्ति में क्या कहा गया है, क्या कहना चाहता है कवि। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यह वाक्य उस समय का है जब फादर बुलके की मृत्यु पर लेखक उनके शव को देखते हैं, शव यात्रा को देखते हैं। लेखक का कहना है कि जब उनकी शव यात्रा चल रही थी तो अनेक साहित्यकार, अनेक जानने पहचानने वाले उसमें शामिल थे, पर उस सारी भीड़ में एक भी आंख ऐसी नहीं थी जो उनके लिए नहीं रो रही हो। शायद फादर बुलके ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेखक कहना चाहते हैं कि इतने व्यक्ति रो रहे थे कि उनकी आंखों को गिनना या उन व्यक्तियों को गिनना संभव नहीं है। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाने का अर्थ है कि कागज काला करना, अर्थात वर्णन नहीं किया जा सकता। लेखक कहते हैं कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों का अगर ब्यौरा लिखा जाएगा तो केवल कागज काला करना ही होगा, अर्थात उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस घटना को लिखा नहीं जा सकता। इसलिए लेखक कहते हैं कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आगामी खै भाग है 7वें प्रश्न का। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। लेखक कहते हैं कि फादर को जब हम याद करते हैं तो मन उदास हो जाता है। शांत संगीत का मतलब यह है कि ऐसा संगीत जिसको सुन करके मन उदास हो जाए। एक संगीत से मन में उमंग आती है, एक संगीत ऐसा होता है जिसको सुन करके व्यक्ति उदास हो जाता है। वही बात इसमें कही गई है। लेखक कहते हैं जब फादर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई उदास संगीत सुन रहे हों, अर्थात फादर को याद करने पर व्यक्ति
का मन उदास हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति में दो प्रश्न हैं। आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हमारे विचार से वो भारत से पहले से ही प्रेम करते थे, भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से उनको लगाव था। कहीं न कहीं पुस्तकों में पढ़ करके अथवा विद्वानों के माध्यम से भारत की संस्कृति के बारे में उन्होंने सुना होगा, अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने भारत से लगाव होने के कारण या भारत की संस्कृति से आकर्षित होने के कारण ही भारत आने का मन बनाया होगा। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपने जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं अपने शब्दों में लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मभूमि से प्रेम करता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गातपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। फादर बुल्के यद्यपि भारत से प्रेम करते थे, भारत की संस्कृति से वो लगाव रखते थे, किंतु अपनी जन्मभूमि के प्रति भी उनका लगाव बहुत अधिक था और इसीलिए उन्होंने यह कहा है कि मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है। हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारत से लगाव होने के बावजूद भी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नोत्तरों के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है। कल के व्याख्यान में आपको जो गृह कार्य दिया गया है उसका स्पष्टीकरण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभाशीष।